हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का जो इंटरव्यू चल रहा है आज के दिन, जो कि 22 नवंबर को पूछा गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए चलिए देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा गया है, वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ इसे डिटेल में ले लिया है। तो यहाँ देखिए क्या है, वित्तीय प्रणाली किसे कहते हैं। यहाँ है कि वित्तीय प्रणाली फाइनेंशियल सिस्टम वह प्रणाली है जो जमाकर्ताओं और निवेशकर्ताओं तथा मांगकर्ताओं के बीच फंड का आवागमन करती है। और इसके बाद देखिए क्या है, वित्तीय प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और फर्म के स्तर पर काम करने वाली हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए इसके बाद, वित्तीय प्रणालियाँ जटिल आपस में निकटता से जुड़ी हुई सेवाओं और बाजारों एवं संस्थाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये वित्तीय प्रणाली हुई कि जो जमाकर्ताओं और निवेशकर्ताओं तथा मांगकर्ताओं के बीच फंड का आवागमन करती है। और इसके बाद देखिए इसमें है, इसके बाद देखिए पूछा गया है ई कॉमर्स किसे कहते हैं। तो ई कॉमर्स पर मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये दोबारा देखिए रिपीटेड किया गया है, दोबारा पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैंने इसका आंसर इसमें नहीं लिया है। आप लोग पीछे का इंटरव्यू का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं और ये वही दोहराया हुआ क्वेश्चन है, तो वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर इस मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है, तो इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन होता है, फिर उसके बाद जो भी इसका फार्मूला समझिए कि हो जाता है। तो साधारण में आप इस तरह से देखते हैं, चक्रवृद्धि बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, और इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और इसके बाद देखिए चक्रवृद्धि अवधि किसे कहते हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिस अवधि के बाद ब्याज की गणना करके उसे मूलधन में जोड़ा जाता है तो उसे चक्रवृद्धि अवधि कहते हैं, मतलब कंपाउंडिंग अवधि क्रिएट कहते हैं। तो आप लोग साथ ही साथ, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, आपके एक लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोट मिलता है। और यहाँ देखिए पूछा गया है, ग्रोथ फंड और बैलेंस फंड में क्या अंतर है। तो ग्रोथ फंड की सहायता से अधिकतम फायदा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इनमें निवेश उन कंपनियों में किया जाता है उन कंपनियों में किया जाता है। यहाँ देखिए, ग्रोथ फंड की सहायता से अधिकतम फायदा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इनमें निवेश उन कंपनियों में किया जाता है जो बाजार में तेज प्रगति करती है, और इन फंड्स में निवेश अधिक लाभ के लिए करते हैं और इस कारण से जोखिम अधिक होता है। और जबकि बैलेंस फंड क्या होता है, बैलेंस फंड में को हाइब्रिड फंड भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ यह कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड कार्ड, या सॉरी प्रेफर्ड कार्ड बॉन्ड और अल्पावधि बॉन्ड होता है, और ठीक है, यह फंड लाभदायक होते हैं और क्योंकि इनमें जोखिम कारक भी कम होता है और बहुत हद तक पूंजी की सुरक्षा निश्चित होती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है। तो असम की राजधानी दिसपुर है। और इसके बाद पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है, इंदिरा गांधी नहर होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो भारत में प्रथम उद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो भारत में प्रथम उद्देश्य परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है। और इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोने का रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। ये और भी जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है देखिए, अभिनव भारत के संस्थापक किसे कहते हैं, कौन है। तो बीडी सावरकर जी जो थे अभिनव भारत के संस्थापक थे। इसके बाद पूछा गया, एसी जेड का पूरा नाम बताओ। तो एसी जेड का पूरा नाम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एक क्वेश्चन यहाँ छूट गया है, वो था गार का फुल फॉर्म बताना था, GAGAA GAA GAA, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम क्या है। तो कोर बैंकिंग सर्विसेज में कोर का पूरा नाम जो है वो है सेंट्रलाइज्ड
ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। और इसके बाद ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है जो वो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल। इसके बाद देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए ये देखिए क्वेश्चन क्या है। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहते हैं, तो आप लोग विंडोज 7 चलाते हो या फिर कोई भी विंडो में, तो फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। और इसके बाद है विंडो 7 में एसेसरीज में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, तो नोटपैड, वर्ड पैड और पेंट, ये तीनों होते हैं विंडोज के अंदर एसेसरीज के अंदर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है जो वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यूनिक्स आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए अल्ट प्लस F4 का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पर 55% को भिन्न के रूप में लिखिए, तो 55% को भिन्न के रूप में 11/20 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है ये 62 का कितने प्रतिशत 9 है, तो 450/31, मतलब इसे भाग दे देंगे आप तो जितना आएगा कि उतना उसका 62 का इतना परसेंट हो जाएगा 9, तो वही आप सॉल्व कर लीजिएगा इतना आएगा। और इसके बाद है पूछा गया एक संख्या अपने 20% से 45 अधिक है, वह संख्या क्या होगी, तो 56.25 आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग करेंगे तभी मैं कुछ सुधार लाना होगा तो अपने वीडियो में सुधार लाऊंगा। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए बस इतना है। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो यहाँ पर मुझे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये शेयर करेंगे तो आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।